हूँ सोनाली सिंह, और आप देख रहे हैं जेके सीएनएन न्यूज। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया बीजेपी ऑफिस, और वो क्यों दिखाया, इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, और क्यों हूँ वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से FAA अकाउंट एक्सपेरेंस जो है, फाइनेंस अकाउंट एक्सपेरेंस जो है, वो लगातार प्रदर्शन पे थे। काफ़ी दिनों से आपको हम लगातार उनकी जो है कवरेज कर रहे थे, प्रेस क्लब के बाहर की प्रेस क्लब में वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट जो उनका चल रहा था अच्छे से। लेकिन कितने दिनों से वो वहाँ पे बैठे थे, लेकिन उनकी डिमांड एक ही थी कि हमारी जो है सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाए, और वो उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, और उसके बाद जो है उनकी लिस्ट जो है वो स्क्रैप कर दी गई। उसके बाद अब आज वो जो है बीजेपी ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाने यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ उनका कहना है क्या नहीं, सबसे पहले तो आपको वीडियो दिखाऊँगी। है बीजेपी ऑफिस के बाहर ये विजुअल, सबसे पहले आपको बीजेपी ऑफिस के बाहर दिखाऊँ। जितने भी फाइनेंस अकाउंट हैं वो यहाँ पे मौजूद है, और लगातार पहले प्रेस को भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी जो है ये बीजेपी ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाते हुए यहाँ पे आए हुए हैं कि हमारी जो है मांग पूरी की जाए, क्योंकि हमने इतनी तपस्या की है, इतना प्रोटेस्ट किया है, इतना आंधी तूफान बारिश जब होता था फिर भी ये डटे रहते थे, अपनी हक की लड़ाई जो है वो करते रहते थे, लेकिन अभी तक इनका हक जो है वो नहीं मिला। और आज यहाँ पे सभी इकट्ठा होकर यहाँ प्रदर्शन करते हैं, कर रहे हैं, देख सकते हैं ये तस्वीरें आप बीजेपी ऑफिस के बाहर की, कि किस तरह से यहाँ पे लगातार प्रदर्शन जो है वो इनका चल रहा है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है, ये साफ तस्वीर है। हम क्या नाम आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। क्या कुछ कहोगे जिस तरह से आपने लगातार इतने दिनों प्रदर्शन किया, उसके बाद जो आपकी सिलेक्शन इसको स्क्रैप कर दिया गया, क्या कुछ कहोगे आप? मैम कहना क्या है, मिठाई का डब्बा लेके आए हैं, ठीक है, देंगे इनको कि खाओ खुशियाँ मनाओ, फाइनली कि आप लोगों ने डेमोक्रेसी को हार हरा दिया, जो कि डेमोक्रेसी होती है कि हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा, जो भी है हम सब ने, हमने हर एक लीगल वे से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने फाइनली जो करना था वो कर दिया, इन्होंने करप्शन करनी थी वो करेंगे, करते रहेंगे, ना आज के बाद करप्शन बंद होंगी, ना कोई धांधलियाँ बंद होंगी, अगर कोई धांधली हुई भी है तो अभी तक सामने क्यों नहीं आई वो धांधली। ये देख सकते हैं मिठाई का डब्बा, ये साफ सुथरे मिठाई का डब्बा जो है वो लेके आए हैं बीजेपी के अध्यक्ष हरविंदर रैना के लिए, कि ये जी मिठाई खा जाए, क्योंकि आपकी जो है वो डिमांड पूरी होगी, जो आप चाहते थे वो तो आपने कर दिया, ये अब अपनी जो है वो सब कुछ मिठाई का डब्बा, आप अभी खुश हैं, और खुश जब कोई भी खुशी होती है तो वो मिठाई का डब्बा लाते हैं, लेकिन ये गमी इनकी कम गम है, और ये अपनी गमी में जो है वो मिठाई का डब्बा लेके आए हैं रविंदर रैना, क्योंकि रविंदर रैना तो अब जो है वो खुश होंगे, और उसी को देखते हुए यहाँ पे अपनी अब जो है उनके से जो है बोला भी नहीं जा रहा, बात भी नहीं हो पा रही है, पता लगा लेती है कि हुआ क्या है, बस ये नहीं पता लगा सकते कि किया किसने। शकील जब आप जंतर मंत्र गए थे पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले थे, उस वक्त उन्होंने आश्वासन दिया था आपकी लिस्ट को स्क्रैप नहीं किया जाएगा बल्कि कल्प्रिट्स को बाहर निकाला जाएगा, क्या लगता है आज लिस्ट को स्क्रैप कर दी किसने? नहीं, पीएमओ सर से जब हम मिले थे उन्होंने ये कभी नहीं, उनकी दुख मुझे आज भी उनका ये है कि उनके हैंड से हमें इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बाद सर उनके हैंड से सिर्फ सिंपैथी मिली थी हमें कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, चलो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा स्टेट का कोई रोल नहीं है, मेरी ना ही कोई सरकार है वहाँ पे, मेरा वहाँ पे कोई लिंक नहीं है, इसलिए हाँ मैं स्टेट के लिए उन्हें बिठाया गया तो स्टेट के साथ उनका कोई रोल, उन्होंने खुद कही है ये बातें कि मेरा वहाँ पे बच्चे मैं हम वहाँ पे उस मसले में मैं कुछ कर नहीं सकता, कमेटी बैठी हुई है, कमेटी जो है कमेटी अच्छे से जो है उसको देखेगी, ठीक है, एलजी सर पे भरोसा है वो अच्छे से काम करेंगे, उन्होंने भरोसे जितलाए एलजी सर पे, मगर आज बताएं एलजी सर ने क्या करके बताया, एलजी सर से हम पूछते हैं सर ये कौन सी चेन बचा रहे हो आप, और सर वो कौन सा दिन होगा जिस दिन यूथ को जेएनके में जॉब मिलेगी, सर सब इंस्पेक्टर का पेपर क्वालिफाई मैंने किया हुआ है, फाइनेंस का पेपर क्वालिफाई किया हुआ है, आगे कौन से एग्जाम कितने एग्जाम क्वालिफाई करें फिर उसके बाद हमें जॉब मिलेगी, बिल्कुल बाकी सारे मुद्दे आपको दिख जाते हैं, बाकी सारे मुद्दे ये मेन मुद्दा है, जिन मुद्दों पे आपको आने वाले वक्त में कोई ऐसी सरकार जो आके इस मुद्दे पे खड़ी हो जाए, यूथ को देखो जो मेन मुद्दा है वो है यूथ, और पढ़े लिखे यूथ को आप इस कदर दो दो महीने रोड पे बिठा के और उसके बाद खज्जल कर रहे हो, क्या लगता है दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है? ये राजनीति नहीं, दो बार बलि का बकरा बनाया गया सर हमें, आज साहब कहते हैं कि इलेक्शन की भेंट चढ़ाए गए बच्चे आने वाले वक्त को देख के, ये कि ये साफ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, प्रोपोगंडा क्या है क्या चीजें वो ही पता नहीं है कि पीछे की क्या इनकी पीछे दिमाग में चल रहा है, क्या मोटिव है,
किसको बचाना है, किसको सामने नहीं लाना है, यही सारी चीजें समझ नहीं आती। अपोजिशन पार्टियां आपको सपोर्ट करती थी कहीं, इसलिए तो नहीं ना इसको शकराब किया गया? सर हमने कभी भी किसी को नहीं कहा कि हमें, आपने भी देखा होगा कि हमने कभी किसी को कहा नहीं कि हमें सपोर्ट, और ना ही हम किसी के पास खुद चल के कभी गए हैं सिवाय बीजेपी पार्टी के। अब लड्डू खिलाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, लड्डू खिला के जाएंगे, क्योंकि उनका जो काम था उन्होंने पूरा कर दिया और यहाँ बैठे हैं, लड्डू खिला के जाएंगे। अब मिठाइयाँ तो बनती हैं इस पे, बिल्कुल बिल्कुल मिठाई जरूर बनती है। सर आप यहाँ पे जो मिठाई लेके आए हैं रविंदर रैना को देने के लिए, बीजेपी के कहीं ना कहीं जो है आपकी डिमांड सभी तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी मन मर्जियों के क्या थोड़ा, रविंदर रैना जी कहते हैं कि हम आने वाले सीएम हैं तो मैं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे वैसा, जो उन्होंने स्टूडेंट के साथ किया है ठीक है, उसके लिए मिठाई तो उनको बनती है। रविंदर रैना जी को हम कहते हैं कि स्टूडेंट एक ऐसा तबका है जो पॉलिटिक्स से बचता है, जो इन सारी धोखाधड़ियों से, इन सारे फसाद से बचता है, अपने काम से मतलब रखता है। हमारे हाथ में कलम है, हमें पढ़ने से मतलब है, एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें काम करना था। अब पॉलिटिक्स हमारे एग्जाम में क्यों घुसा रहे हैं, अब हमारे पेपरों को क्यों पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, इस बात का रिप्लाई कर दे हमें कोई कि अब यही बचा था, अब ये दिन देखने थे हमें। इतनी पढ़ाई के बाद, इतने पढ़ने के बाद फिर भी आपकी जो है वो एक जो नौकरी के लिए आपको इधर उधर की ठोकरें जो खानी पड़ रही है, क्या वही समझ नहीं आती कि भीख मांगनी पड़ रही है और मांग क्यों रहे हैं? कोई सिफारिशी जॉब नहीं इनसे चाहते, तो ना ही इनसे कहते हैं कि हमें आप जो है आप नौकरी दे दो ठीक है, कोई इनसे सिफारिशी नौकरी नहीं मांग रहे थे ना कुछ है। अपने दम पे जो है मेहनत की, मेहनत करने के बाद उस चीज को हमने क्वालिफाई किया, एग्जाम क्वालिफाई किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, लास्ट जब फाइनल कॉल आनी होती है, इतना निकम्मा एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी निकम्मी आपकी इंटेलिजेंसी, जो पहले 5 महीने उसे खबर तक नहीं होती, क्योंकि एग्जाम देने के बाद 5 महीने प्रोसीजर बिल्कुल नीट एंड क्लीन चला, सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट के बाद ये सारा मार्केट में शोर आता है, उसके बाद आप अलर्ट हो जाते हो, पहले आपको ये तक होश नहीं होती कि किसी ने कुछ कर भी दिया है। नहीं अभी इंक्वायरी नहीं बिठाई है मैम, अभी स्क्रैप कर दी है लिस्ट, हमारी लिस्ट ही खारिज कर दी है कि आप दोबारा से एग्जाम देना। इंक्वायरी तो इन्होंने काफी देर से बिठाई हुई थी, वो भी जो ऑफिशियल ऑर्डर कभी आया नहीं था, कभी भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया उस चीज का लाया इन्होंने सामने पब्लिक डोमेन में, और ना ही आज तक चीजें पब्लिक डोमेन में से आई हैं कि किस बेस पे इंक्वायरी बिठाई, इंक्वायरी ने जो है रिकमेंडेशन दे दी लिस्ट को स्क्रैप करने की, किस बेस पे, वो बेस ही सामने नहीं लाए गए हैं। ये सारी चीजें साफ दिख रही हैं, साफ दिख रहा है कि आप बोलो मानो या ना मानो, सर आपने एक अपनी चेन बचाई है और आपने बल का मतलब अपनी पावर का इस्तेमाल करके, तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, हम मानते हैं आप कुछ भी कर सकते हो, हम मानते हैं, और आपने वो कर भी दिया ठीक है। ये है डिक्टेटरशिप, ये है जोर का जमाना, और जो आज एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टूडेंट्स के साथ कर रहा है, इससे ज्यादा हम आपको क्या एग्जांपल सेट करके दें कि 45 दिन से हर एक फैक्ट अगर आप लोग देखें, हमने हर एक फैक्ट पे बात की, हमने कहा आपको जो चाहिए होगा वो बताना, हम आपके साथ कॉपरेट करेंगे, हर एंगल से कॉपरेट करेंगे। आपने इंक्वायरियां बिठाई, हमने कहा सर जहां इवन के दिल्ली तक जाके हमने ये कहा कि इस मामले की तरह से आपने मतलब इतना पीसफुल प्रोटेस्ट किया, मुझे लगता है ऐसे कोई किसी ने भी आज तक किया होगा, इतने आपने उनके साथ जो है सहयोग दिया, लेकिन फिर भी आपकी बात जो हमने नहीं सुना। हमने प्रोटेस्ट भी बिल्कुल उस तरीके से किया जो चीजें पढ़ी लिखी हुई, पढ़े लिखे इंसान की कोई निशानियां होती है वो हमने प्रोटेस्ट में भी दर्शाई है, बिल्कुल लीगल वे में, पीसफुल मैनर में हर चीज को अंजाम दिया था। जब हम दिल्ली गए वहां पे जो हमारा काम था वहां पे भी पीसफुल वे में जिनसे मिलना था सारी चीजें, हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए इस बात के खिलाफ थी कि आप इसे स्क्रैप मत करना, स्क्रैप लिस्ट खारिज मत कर देना, आप इन डेप्थ प्रोब कराना, हर चीज कर लेना, बट इन्होंने ये जो है आप देख रहे हो आज हमारी लिस्ट जो है कैंसिल कर दी गई है। की तस्वीरें जो है ये बच्चे मिठाई का डब्बा लेके आए, इनको कहना कि हमें अंदर जाने दीजिए और हमें जो है मिठाई खिलानी है इनको, जो इनकी खुशी जो है हम इनकी खुशी के लिए मिठाई लेकर आए हैं, ये दे सकते हैं मुँह मीठा करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि हमें इधर जाने दीजिए कि हम जो है उनका मुँह मीठा करवाने आए हैं। और ये
देखा देखे नहीं हो। देख सकते बच्चे जो है हाँ जा तो हमें अंदर जाने दो, मिठाई खिलाने आए हैं, गाय बिना तो नहीं जाने देंगे। दो साल हमारे बर्बाद किए, हमारी जिंदगी बर्बाद की, मजाक है क्या? हमारे माँ बाप के खून की आंसू लाए, इन लोगों के ऑफिशियल इन्होंने बचाए हैं। नहीं सर, हमारे पास बाहर नहीं आ सकते, उन्हीं के तो बच्चे हैं ना, हम लोग उन्हीं के स्टेट के, हमारी वजह से तो बैठे हैं यार। उनको कैसे अलाउड है, हम क्या करने आए? हमारे पास कोई आर्म्स है, कोई वेपन है, कोई कुछ है? आप आए हो प्रोटेस्ट करने के लिए? सर नहीं, प्रोटेस्ट करने नहीं आए, मिठाई मिठाई खिलाने, मिठाई खिलाने, सिर्फ मिठाई खिला के चल जाएंगे, सिर्फ मिठाई। नहीं नहीं, सिर्फ मिठाई खिलानी है, 45 डेज में पीसफुली बैठे हैं ना, अगर हम पीसफुली बैठे हैं ना, आज हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे अननेसेसरी कुछ इशू क्रिएट करने का, हम सिर्फ आपको सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हाँ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी सर। सारे लोग वहाँ चले जाइए, साइड में खड़े हो जाइए, वो बैठे हो पता चल रहा है, साइड में चले जाओ, लड़के जाएंगे, बाकी सारे पाँच साइड में चलो, मैं बात पांच बच्चे सर पहले भी उनके पास जाते थे, उनको बता देना कि फाइनेंस जो पहले के बच्चे जो है वो आपसे मिलना चाहिए, आज इनको जाना। ये तस्वीर इनको जो समझा बुझा के कहा कि आप साइड पे चले जाइए, लेकिन इनका कहना है कि हम आज मिठाई खिला के ही जहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। ये लगातार बात करते हुए कि हाँ जो है हम रविंद्र रैना जी को मिठाई खिला के ही यहाँ से हटेंगे, ये मिठाई का डब्बा जो है वो लेके यहाँ पे आए हुए हैं। और तो ये लोग इनके पास फिल्टरिंग का भी ऑप्शन है, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारी बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो बोलती हैं कि नहीं फिल्ट्रेशन का इनके पास ऑप्शन है, बट नहीं सर, इनको इनको नहीं करनी है फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि फिल्टर करके तो बड़े सारे बंदे जो है ना, बड़ी बड़ी मछलियां जो बोलते हैं कि वो बाहर आ जाएंगी ना, तो इसीलिए इनके पास फिल्टरिंग का ऑप्शन नहीं था। इनने हमारे गले घोटे, हमें स्केपगोट बनाया, हमें बलि का बकरा बनाया इन्होंने। जो मेहनत आप लोगों ने की इतने लंबे वक्त तक, और अब कह रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम्स डेट्स सर, एग्जाम दोबारा हम लोग क्या देंगे, हम लोग देंगे एग्जाम दोबारा, और कोशिश करेंगे हम दोबारा ये सारे जो बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से आए थे वो दोबारा इस लिस्ट में आए, और हम लोग कोशिश करेंगे आने की, बट उससे पहले हमें वो सारे स्कैमर्स बाहर चाहिए, क्योंकि हम लोग उनके साथ तो एग्जाम नहीं देंगे। क्या गारंटी है कि अगले बार वो दोबारा कुछ स्कैम ना करें, या कुछ दोबारा वो ऐसा काम ना करें जिससे हमारी दोबारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा? हम लोग यही करते रहेंगे पूरी उम्र, क्या एग्जाम देते रहे, वही सर्कल में हम घूमते रहेंगे? एग्जाम दो, मेहनत करो, क्वालिफाई करो, और उसके बाद लिस्ट स्क्रैप। एग्जाम दो, क्वालिफाई करो, मेहनत करो, और लिस्ट स्क्रैप, ये तो नहीं चलने वाला ना। प्रोब जो है वो सीबीआई की भी है, जेकेपीएसआई की भी सीबीआई कर रही है, लेकिन उस पर अभी तक कुछ नतीजे नहीं निकल रहे हैं जो पता चला। सर इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, सीबीआई को भी अगर दिया है ना तो इंटेंशन होनी चाहिए उन बंदों को बाहर निकालने की, जो इनकी है नहीं है। तो आज देख रहे हो आप, डेढ़ दो महीने के बाद सीबीआई ने वही 33 बंदे ही है जो अभी तक पकड़े हुए हैं, पकड़े क्या हुए हैं, वो भी अक्यूज्ड हैं, गिल्टी, अभी तो वो प्रूफ भी नहीं हुआ कि नहीं सच में वो स्कैमर्स हैं कि हैं भी हैं कि नहीं है, अभी वो अक्यूज्ड है। तो 33 बंदे हैं, सेम इसी में भी होने चाहिए, हमें टाइम बाउंड मैनर में सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, एक महीने के अंदर अंदर हमें वो सारे कल्प्रिट्स बाहर चाहिए, उसके बाद आप एग्जाम करवाओ, उसके बाद हम लोग एग्जाम में बैठेंगे। ये तस्वीरें जो आपको चल दिखा रही थी बीजेपी ऑफिस के बाहर ही, यहाँ पे जितने भी अकाउंट एस्पिरेंट्स हैं, फाइनेंस अकाउंट एस्पिरेंट्स हैं यहाँ मौजूद थे, क्योंकि आज जो है इनकी कमर टूट चुकी है, आज जो है ये हद से पार हो गया है, क्योंकि इन काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से जो है ये प्रेस क्लब के बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इनकी डिमांड काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट जो है इनकी है, इन्होंने काफ़ी प्रशासन का सहयोग दिया, उनके साथ चले, जितने भी प्रोटोकॉल थे वो फॉलो किए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, और आज फाइनली जब इनकी लिस्ट स्क्रैप हुई उसके बाद जो बीजेपी ऑफिस के बाहर आए मिठाई का डब्बा लेके कि हम जो है मिठाई खिला के ही जाएंगे, नहीं तो यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी मेहनत पर पानी तो फिर गया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन आज खुश है कि लिस्ट को स्क्रैप करके और उसी को खुशी जताते हुए यहाँ पे आए हुए थे। और ये सब तस्वीरें हम बीजेपी ऑफिस के बाहर के आपको दृश्य दिखा रहे थे, आगे की अपडेट निकल के क्या सामने आते वो भी हम आपके तरफ तक लाएंगे, लेकिन जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखी कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जनता हमेशा हमारा साथ देती है, और अपनी जनता हमारी अपनी राय जो है
कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए देखते जेके सीएनएन न्यूज़। मुझे बल्कि सुना सको तरफ दीजिए इजाजत। धन्यवाद।